हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 3, जिसका नाम है कर्मवीर, इस चैप्टर का आज हम व्याख्या करने वाले हैं, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह पहला क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि कर्मवीर जो है पाठ की कौन सी विद्या है। तो कर्मवीर पाठ की कौन सी विद्या है, कविता या फिर कहानी? कविता। कर्मवीर पाठ क्या है? कविता। कर्मवीर पाठ कविता है, कविता है। दूसरा पूछता है कि कर्मवीर पाठ के कवि कौन है, यानी कि इसके कवि, इसके कवि मतलब किसके कवि? कर्मवीर के कवि। इसके कवि अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इतना लंबा नाम यदि नहीं कहेंगे तो इसका दूसरा नाम भी है हरि औध, हरि औध। तो ये इसके कवि के नाम है, यानी कि कर्मवीर पाठ को कौन लिखे हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरि औध भी कहते हैं। आईएएस में अब जो देखते हैं कि ये पाठ में जो क्या क्या समझाया गया है, क्या क्या बताया गया है। तो क्या देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो बाधा का मतलब क्या होता है? रुकावट, ठीक ना। विविध मतलब होता है बहुत प्रकार के, अनेक टाइप के। कहता है कि देखो, जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब हम लोग कुछ करते हैं, जब हम लोग कोई ऊंचा चीज सोचते हैं, ठीक ना, तो बहुत टाइप का रुकावट आता है कि नहीं आता है? आता है। जब मान के चलो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत आदमी ऐसा जो पीछे से खींचने की कोशिश करता है, या फिर हमको आगे से ढकेलने की कोशिश करता है। जब मान लो कुछ हम लोग जो उपलब्धि को छूने का प्रयास करते हैं, कुछ आदमी हमसे जलने लगते जलते हैं ना, और जलन के कारण जब वो कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाए। कोई आदमी देखो यदि पढ़ने में बहुत तेज है, खूब पढ़ता लिखता है, उसका दोस्ते सब देखो उसको भड़काता है कि क्या भाई इतना तुम काहे पढ़ता है, इतना पढ़ लिख के कहां जाएगा, सो कत्ते बड़का आदमी बनेगा। कहता है ना कि आज तक तुम बड़ा आदमी बन गया, देखते भर दिन पढ़ते ये रहता है, हम लोग से भी मतलब नहीं मिलता जुलता है। इसमें कहा गया है कि जो कर्मवीर होता है वो कितना भी बाधा आ जाए लेकिन वो रुकते नहीं है, बहु विघ्न घबराते नहीं। बहु मतलब होता है कि अनेकों प्रकार के जो है क्या तो उसको रुकावटें आते हैं, लेकिन वो जो घबराते नहीं है, सब रुकावट को क्या करते जाते हैं, वो जो पार करते जाते हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, इसका मतलब हुआ कि वह जो कभी भी जो भाग पे नहीं रहते कि ये हमको नहीं मिला, वो हमको नहीं मिला। कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोगों को यदि मान लो कुछ नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, हो ये मेरे भाग्य में नहीं था, कहते हैं ना। जैसे मान लो कोई लड़का नौकरी का पद तैयारी किया, एग्जाम में बैठा, लेकिन एग्जाम उसका नहीं निकला, क्या बोलते हैं, हो शायद नौकरी मेरे भाग में नहीं है। कोई मान लो कि बोर्ड एग्जाम का पद तैयारी किया, मैट्रिक या इंटर का, बहुत मेहनत किया, एग्जाम में बैठा लेकिन फेल कर गया, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या परीक्षा पास करना मेरे भाग्य में नहीं था, कहते हैं ना। लेकिन कर्मवीर जो है उसका मानना है कि कोई भाग्य कोई कुछ जो है नहीं होता है, ठीक ना, कुछ भी नहीं होता है। तो होता क्या, कर्मवीर का ये मानना है, यदि मान के चलो कि कोई एग्जाम हमसे नहीं निकला, इसका मतलब मेरे मेहनत में कमी होगा, मेरे मेहनत में क्या होगा, कमी होगा। यदि मान के चलो कि कोई नौकरी का तैयारी किए वो नहीं हुआ, मतलब मेरे मेहनत में कमी है, हम लोग उतना मेहनत नहीं किए कि ये एग्जाम निकाल पाए, अगली बार इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और एग्जाम को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कहता है उसके सामने कुछ भी आ जाए, कर्मवीर ऐसा नहीं कोई एक आदमी है, ये हम लोगों को कहा गया, ठीक ना, कि हम तुम बन सकते हैं, कि आगे कुछ भी रुकावट आ जाए घबराओ नहीं, ठीक ना। यदि कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुआ तो भाग्य के भरोसे मत छोड़ो कि ये चीज हमसे नहीं हुआ तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, भाग्य में सबके भाग्य में सब कुछ है, भगवान जो है सबके भाग्य में सब कुछ लिख के भेजा है। फर्क है मेहनत का, किसका फर्क है, मेहनत का। यदि हम लोग मेहनत करें तो वो आराम से मिल सकता है, जैसे मान के चलो कि हम ही अभी मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे हो नौकरी वोकरी करके मिल कहाँ रहा है, क्या घर बैठे नौकरी मिल सकता है, नहीं, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि हम उसको अपने भाग्य पे छोड़ दे, हो मेरे भाग्य में ही नौकरी नहीं है इसलिए नहीं मिला, तो ये हमारा बेवकूफी है,
मेहनत करेंगे तभी ना मिलेगा, अब मेहनत करिए नहीं रहे पढ़िए नहीं रहे तो क्या नौकरी मिलेगा। फिर दिया काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, मतलब उसके सामने कोई भी काम दे दो वो घबराएगा नहीं, वो नहीं बोलेगा ये काम हम नहीं कर सकते हैं, वो जान रहा है ये काम बहुत कठिन है फिर भी बोलेगा हो हमसे हो जाएगा ये काम हम कर सकते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वो वीर दिखलाते नहीं, इसका मतलब हुआ कुछ छपरी टाइप का आदमी देखा होगा ठीक ना, जो बिल्कुल हटके कपड़ा पहनेगा बिल्कुल हटके चलेगा है, यहाँ तक पूरा मोड़ के रखता है ना पूरा बटन वटन खोल के ऐसे ऐसे पूरा चलेगा ठीक, हाफ पूरा जो छोटा छोटा जींस पहनेगा ठीक ना, अब पूरा भीड़ में जब चलता है वो पूरा काला ब्लैक कोबरा जैसा चश्मा पहन लेगा, जब चलता है तो लगता है कि हाँ थोड़ा हटके चल रहा है लगता है ना, सब आदमी दिखेगा एक जैसा थोड़ा सबसे अलग दिखता है, पूरा जो है बाल को रंगीन उंगीन कर लेगा। तो वही कहता है यहाँ पे कि कर्मवीर जो है कि भीड़ में जो चंचल बने, मतलब भीड़ में इतना अपना भवानी नहीं दिखाता, हीरोपनी नहीं दिखाता, और भी देखो बहुत टाइप का ऐसा लड़का लड़की होता है घर में रहेगा नॉर्मल होता है ना, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं अपने आप को थोड़ा दिखाने लगते हैं ताकि सब हमको ही देखे करते हैं ना, ऐसा कर्मवीर का ये पहचान नहीं है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले। कहता है कि वे ऐसा काम किए कि एक ही आन में, आन मतलब गौरव की भावना, ये प्रतिज्ञा, वो एक प्रतिज्ञा किए करते हैं कसम खाते हैं, वो ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है मतलब करना है मतलब हमको नौकरी लेना है मतलब लेना है। उससे क्या हो गया, उसका बुरा दिन भी भला बन गया, पहले मान लो पूरा दयनीय कंडीशन था अब सही हो गया, और सब जगह सब काल में वे ही फूले फले, और फिर क्या होता है हर जगह उसका चर्चा हो जाता है उसका नाम हो जाता है। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, मतलब वो जो ठान लेते हैं इस काम को यदि हम आज करेंगे तो उसको ये नहीं छोड़ते हैं कि कल करेंगे ठीक ना, वो करते क्या है आज ही करते हैं, मतलब वो जो है ये रूल अपनाते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, मतलब जिसको कल करना उसको आज करो, जिसको आज करना उसको अभी करो। हम लोग क्या सोचते हैं आज करे सो कल करे सो परसो ठीक ना, मतलब जिसको आज करना है उसको आज नहीं करेंगे कब करेंगे कल, और जिसको कल करना है उसको सीधे जाकर परसों करेंगे, बोलेंगे हो हटाओ अभी। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं भाई, हम लोग क्या होते हैं खाली लंबा लंबा डिंग हाँकते हैं ठीक है, लंबा लंबा फेंकते हैं, लंबा लंबा सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, थार खरीदेंगे चचक्का खरीदेंगे ठीक है ना, ये बनेंगे वो बनेंगे फॉर्च्यूनर भी खरीदेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। कर्मवीर का कहना है वो जो चीज सोच लेते हैं कि ये काम हमको करना है मतलब करना है मतलब करना ही है, वो करके दिखाते खाली बोलते नहीं है, वो मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी। कर्मवीर जो आदमी होता है जैसे मान के चलो कि कोई आदमी जैसे कि बड़ा घर बना रहा है ठीक ना, तो उसको सजेशन देने बहुत कोई आता है, तुम घर का डिजाइन ऐसा रखो तुम घर का डिजाइन वैसा रखो, तो कुछ आदमी क्या आता है मान लेता है कभी उसके डिजाइन पे घर बना लेता है ठीक ना, फिर अगला आदमी आता बोला ए तुम कैसा बेवकूफ जैसा बना लिया है हटाओ इसको तोड़ो, फिर नया डिजाइन से बनाता है दूसरा आदमी जैसे कहता है ठीक ना। तो फिर जैसे मान लो कोई आदमी गाड़ी खरीद रहा है, आदमी सजेशन देता है तुम ये गाड़ी खरीद लो बोलता है ठीक है, वो वही खरीद लेता है, फिर अगला बोलता है तुम क्या खरीद लिया ऐसे इससे अच्छा ये लेता है अपने प्राइस में कहता है ना, उसका मन खट्टा होता है इसको बेच के वही लेंगे जो बोला था। तो जो कर्मवीर होता है वो सुनता सबका है लेकिन वो करता किसका है अपने मन का, जो उसका मन कहता है वही करता, लेकिन किसी को ये नहीं कहता हो आप हमको ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान सबसे लेता है सबका बात सुनता है लेकिन करता अपने मन का है। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, कहता है कर्मवीर जो होते हैं वो अपना भी मदद करते हैं और दूसरों की भी क्या करते हैं मदद करते हैं ठीक ना, खुद का भी मदद करते हैं और दूसरों का भी मदद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे मान के चलो कि हम लोग एग्जाम में कहीं बैठे हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इधर उधर बाएं दाएं आगे पीछे दूसरा का मुंह तकते देखते हैं ना, ये लेके खुद सोचे लिखे ऐसे देखते हैं कि वो क्या लिखा है वो लिखा है कि वो वही हाल है। कर्मवीर ऐसा नहीं करते हैं, कौन ऐसा काम है जिसे कर वे सकते नहीं, उसके लिए कोई भी काम जो कठिन नहीं है, कुछ भी दे दो उसको तुम वो करेगा ही करेगा। कर्मवीर कौन है, कर्मवीर सब है, फर्क है यदि हम लोग बनने की कोशिश करें ठीक है, तुम भी कर्मवीर है हम भी कर्मवीर है सब कर्मवीर है, लेकिन कोई बनने का कोशिश ही नहीं करता कि हम हर एक कुछ कर सकते हैं, सोचते हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा, कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये हमसे होगा। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, कहता है कर्मवीर जो है अपना टाइम फालतू का नहीं बिताता है,
और काम करने की जगह पे फालतू का बात नहीं करता। जैसे आजकल तुम जो है घर तरफ बनवाएगा, जब तुम जोन सबको रखेगा, मिस्त्री सबको, दो ईटा जोड़ेगा चाय बनवाइए चाय पिएगा, फिर पांच ईटा जोड़ेगा खैनी मंगवाइए खैनी खाएगा, फिर दो ईटा जोड़ेगा पुड़िया मंगवाइए, कहता है ना। उसके बाद जो देखेगा इधर उधर देखेगा, ऐसे मालिक ना है बस मिस्त्री में लेबर में गप्पी दे रहा है देता है ना। कहता है कर्मवीर जो होता है वो फालतू का बात जो है नहीं करता है। जैसे तुम यहाँ ऑनेस्ट को राजा को देख लो, ये भी खाली फालतू का डिंग हाँकता है। आगे क्या दिया है, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, मतलब वो कर्मवीर कभी भी आजकल जो है नहीं करते कि ये काम आज कर लेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक ना। जिसको जब करना है तभी ही करते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यत्न मतलब प्रयास, यत्न मतलब प्रयास, मतलब कर्मवीर जब जानते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा फिर भी, लेकिन ये नहीं बोलते नहीं होगा, बोलते एक बार हम प्रयास करके देखेंगे कहीं हो जाए, ठीक ना। वो जानता है यदि हम प्रयास करेंगे पूरा तो ना सही का आधा भी कर ही लेंगे। जैसे मान के चलो कि अभी हम लोगों को जो है घर बनाने का नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, यदि हम लोग बोले कि एक बार प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं इतना जरूरी है कि नहीं पूरा बना पाए दो ही डाट जोड़ लेंगे जोड़ेंगे ना, तो भाई ये कोशिश जरूर करते हैं। बात है वह कौन हो जो होती नहीं उसके किए, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। औरों के लिए मतलब वो ऐसा नमूना बन जाते हैं कि दूसरा भी उसको क्या करता है, याद करता है कि आदमी तो था वो, ठीक ना, जो कभी भी जो मेहनत से पीछे नहीं हटता था। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कहता है कितना भी धूप हो यदि उसको कुछ काम है, ठीक ना, तो वो पहले काम करेगा, धूप को साइड कर देता है कि उसको बाद में देखा जाएगा गर्मियन लग रहा है, पसीने चू रहा है, हमारा प्राण तो नहीं निकल रहा है, हम जब इसको कर सकते करेंगे। काम पड़ने पर करे शेर का भी सामना, शेर मतलब यहाँ पर जो है रियल का शेर नहीं है, ठीक ना, यहाँ लायन का मतलब होता है कोई मान लो कि संकट, ठीक ना, मान के चलो कोई काम हम लोग जानते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम है, जैसे जमीन सबके विवाद में आदमी जानता है कि इसमें बहुत लोचा है बहुत लफड़ा है, फिर भी आदमी हासिल करने की कोशिश करता है कि नहीं, केस करता है केस लड़ता है जो सब होता है पंचेती उंचेती सब बैठाता है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, लोहे का चना का मतलब ये न है कि आप जो जाना लोहार के यहाँ बोलना कि भैया इतना तक गुल्ली टाइम का लोहा का चना बनवा दीजिए, हमको फक्की मारना है, ठीक ना, वो जो छर्रा जो होता है होता है ना साइकिल, साइकिल में नहीं होता है छड्डा छोटा छोटा, अब जाएगा साइकिल दुकान खरीद लेगा 10-20 को, बस राजा क्या करेगा फक्की मारते रहेगा, अपना क्या करेगा सफेद दांत को तोड़ लेगा। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब है लोहे का चने का मतलब है कठिन काम करना, क्या मतलब है कठिन काम, ये एक मुहावरा है ना, लोहे के चने चबाना, इसका क्या अर्थ होता है कठिन कार्य करना, यानी कि कर्मवीर जो है कितना भी कठिन काम हो उसको हमेशा बोलते हाँ कर लेंगे। है कठिन कुछ भी नहीं जिसके है जी में यह ठाना, वो मतलब ठान के बैठा है कसम खाया प्रतिज्ञा किया है कि कुछ भी दुनिया में कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है, ठीक ना, हर एक कुछ कर सकते हैं, सब कुछ इंसान ही करता है। आज मान लो इतना बड़ा बड़ा एरोप्लेन सब बन गया, कौन बनाया है, इंसान बनाया है। आज बताओ ट्रेन सब जो है इतना डेवलप किया, कौन बनाया, इंसान बनाया है। अभी तुम जब जापान जाएगा, ठीक ना, जापान में क्या देखेगा, हम लोगों के यहाँ भारत में ट्रेन पटरी पे से चलता है, ऐसे चलता है ना, जापान में ट्रेन ऊपर में चलता है हवा में, ठीक ना, तो उतना टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कौन किया है, इंसान ही किया है ना। तो वही कर्मवीर का मानना है कि हम इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जापान में जो ना उसका ऐसे ट्रेन जो ऊपर से चिपका रहेगा और दो सब चक्का नीचा उठा रहेगा, ऐसे चलता है ऊपर से नीचा पड़ा खाली, तो क्या टेक्नोलॉजी है। कौन सी है गांठ जिसको खोलवे सकते नहीं, गांठ मतलब यहाँ पर रियल का गांठ नहीं है, गांठ मतलब बताया भाई ये काम मेहनत, ऐसा कोई काम नहीं जिसको वे नहीं करते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते, कहता है कर्मवीर का एक और पहचान, हम लोग क्या होता है जैसे मान के चलो कोई काम करते हैं पहले सोच लेते हैं ये करेंगे, जब नहीं होता है आधा आधा रास्ता पर छोड़ते हैं ना, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा, पर नहीं है मान लो बैठते हैं मैथ का कोई चैप्टर पहले बनाते हैं नहीं बनने लगता, बताओ ये हिसाब नहीं बनेगा इसको हटाओ दूसरा सब्जेक्ट निकालो, लेकिन जो कर्मवीर का ये मानना नहीं है, जो काम स्टार्ट कर दिए वो हुए चाहे नहीं हुए जैसे भी हो उसको करके मानेगा। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, अब मान के चलो किसी से जो है पूरा क्या किया
तो पंगा ले लिया, ठीक ना। अब बाद में डर के मारे जो छुपने का जगह नहीं खोजता है, मुंह नहीं मोड़ता है कि हम अब तुमसे डर गए ये किए। अगर देखता है कि हम कमजोर भी है तब भी उसका सामना करता है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कहता है ये कभी भी जो है अपना तुलना जो है अपने मेहनत की तुलना अपने मन की तुलना जो है पैसों से नहीं करते हैं, ठीक ना। करवीर का ये और भी पहचान है, वो अपने काम को क्या करते हैं प्राथमिकता देते हैं, पैसों को नहीं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। उज्ज्वल रतन मतलब यहाँ तो हीरा, ठीक ना, डायमंड। कहता है करमवीर यदि मेहनत करे, ठीक ना, कि कांच भी उसके सामने क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, उज्ज्वल रत्न बन जाता है, कीमती बन सामान बन जाता है, ठीक ना। पर्वतों को काट कर सड़के बना देते हैं वे। कहता है यदि मान के चलो कि पूरा चट्टान से भरा पड़ा है, पूरा पर्वत से भरा पड़ा है, यदि कोई करमवीर है तो पर्वत को भी पहाड़ को भी काट के क्या करता है, रास्ता निकाल लेता है, सड़क निकाल लेता है। जैसे एक थे दशरथ मान जी, नाम सुना होगा, ठीक ना, शायद झारखंड या फिर कहीं के होंगे रहने वाले, किस राज्य के थे इतना कन्फर्म ना है, समझो भारत के थे। वो क्या किए, पूरा समझो कि पहाड़ था, पूरा पहाड़ था, अपना पूरा जीवन लगा दिया, ठीक ना, तो जवानी से बुढ़ापा आ गया, पहाड़ को काटते रहे काटते रहे काटते रहे। वो भी क्या चीज, ऐसा ना कोई जेसीबी से, कोई मशीन से, बल्कि कुल्हाड़ी सब होता है ना, वो कुल्हाड़ी से, कुदाल से, छेनी से, हथौड़ी से, जो अपना घरेलू उपकरण है उससे, उससे काट के पूरा पहाड़ को काट के क्या किया, रास्ता बना दिया, रोड बना दिया, आज वहां गाड़ियां चलती है। उसका क्या नाम था, दशरथ मांझी, वो इधर ही समझो कि 20-25 साल पहले 30 साल पहले इधर हाल फैल के थे, ठीक ना। पूरा समझो कि पूरा मतलब कि पहाड़ वहाड़ को काट के पूरा रास्ता बना दिया, बड़ा बड़ा पहाड़ को, चट्टान को। आगे देखो, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने बहुत बतला दिया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कार्यस्थल मतलब वह कि जहाँ उसको काम करना है, ठीक ना। जैसे मान के चलो कोई आदमी उसको बोला कि भाई साहब आपको ये काम करना है, पहले वो उससे गछिए लेते हैं, ठीक है हम कर लेंगे, बाद में वो पूछते हैं कि वो काम है कहाँ। वो जानते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर भी 10 कोस भी दूर होगा ना, 10 कोस मतलब 30 किलोमीटर, तब भी हम तो करवे करेंगे। अगर यहाँ पे से समझो कि 100 किलोमीटर भी दूर है तब भी हम उस काम को करेंगे। इसलिए कर्मवीर कभी ये नहीं पूछते हैं कि वो है कहाँ। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, जो काम उससे न हो पा रहा है वहां पर भी वो कुछ ऐसा काम करते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, आदमी उसका तारीफ करने लगता है। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतने ही वहाँ। जहाँ उसको जितना ज्यादा संकट मिलता है, जहाँ उसको जितना ज्यादा उलझन मिलता है, जहाँ जितना प्रॉब्लम आता है, वहाँ ये उतना ही कुछ नया चीज करते हैं जिससे कि आदमी उसका पूरा तारीफ करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कहता है जहाँ कोई काम करते हैं वहाँ 1000 विरोधी आता है, उसका विरोध करते हैं, तुम यहाँ ये नहीं कर सकता, वे वहाँ नहीं कर सकता, वे वहाँ पर भी ये चीज काम करके दिखाते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डोले डले। आज कोई भी देश मान लो इतना जो है विकसित जो है, इतना फुला फला है, इतना मान लो हाई लेवल तक का है, जैसे अमेरिका ले लो, ठीक ना, जापान ले लो, ये चाइना भी ले लो, ये सब क्या है, काफी ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है, ठीक ना। उसके बाद जो है और भी एक दो कंट्री है, रशिया उतना नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये सब आज इतना भी मान लो डेवलप है, इसमें किसका कमी था, पहले क्यों नहीं डेवलप था, कर्मवीर का कमी था। आज हमारा भारत भी देखो उस लेवल तक जा रहा है, मतलब कर्मवीर की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे मान के चलो कि अभी जो हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और वो सक्सेस भी हुआ, कैसे, वो वैज्ञानिक कैसे थे, कर्मवीर थे, बताओ। पहले चंद्रयान 1 बनाया, 2-3 साल लग गया उसमें बनाने में, और कभी कभी 300-400 करोड़ भी खर्चा हुआ, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। चंद्रयान 2 बनाया, उसमें 2-3 साल लग गया बनने में, 900 करोड़ का खर्चा हुआ, सक्सेस नहीं, बल्कि हार नहीं माना, बोला फिर बनाएंगे, और फिर से क्या बनाया, चंद्रयान 3 बनाया, ठीक ना, चंद्रयान 3 बनाया, 600 करोड़ का खर्चा हुआ। चंद्रयान 2 कब बना था, 2019 में, ठीक ना, कुछ 2019 में बना था, कुछ दिन मान लो कि रेस्ट किया होगा, ठीक, उसके बाद जो कुछ दिन रेस्ट किया होगा, 2020 में मान लो कि चंद्रयान 3 बनाने भिड़ा, 3 साल तक लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहा, 23 में देखो सक्सेस हो गया ना।
वही कहता है कि आप आज कर्मवीर की संख्या बढ़ती जा रही है, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी। कहता है जैसा कि इस अध्याय में देखो जिस टाइप के आदमी का चर्चा किया गया है, यदि इस टाइप का आदमी सभी युग में ठीक है सभी देश में जन्म ले लें तो कोई भी देश किसी दूसरे देश से कभी भी पीछे नहीं रहेगा। ये चैप्टर यहीं तक था ठीक ना, तो बाकी का जो है क्वेश्चन इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।